हमारी ज़मीन दरअसल पानी की एक दुनिया है। हमारी दुनिया का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इस तरह लगता है कि ये दुनिया सिर्फ मछली खाने वाले परिंदों और माहीगीरों के लिए बनाई गई थी, मगर आज पूरी दुनिया में माहीगीरी ख़त्म हो रही है और समंदर में मछलियां गायब हो रही हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? एक दिन 2006 में ये खबर सुनी कि हमारी दुनिया का एक हिस्सा यानी वो जज़ीरे जहां हमारे हज़रत यूसुफ शाह का मज़ार है, बैरूनी सरमाएकारों को फरोख्त किए गए हैं। हमसे तो किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन क्यों? जब भी कराची का ज़िक्र होता है तो ज़हन में फ़ौरन समंदर का तसव्वुर आता है। समंदर की अपनी तासीर है। कराची का शुमार यूं तो कभी भी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ कराची के पास है वो किसी और शहर के पास नहीं, और वो है मीलों तक फैला हुआ खूबसूरत नीला समंदर। यही समंदर कराची को सबसे जुदा और मुनफरद बनाता है। सिंध के साहली इलाकों में कराची की अहमियत हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि यहाँ बास कुदरती वसाइल पोशीदा हैं, यानी माहीगीरी का इलाका, और सबसे बढ़कर तिमर या मैंग्रोव्स के जंगलात मौजूद हैं जिन पर माहीगीरी का इन्हिसार है। कुदरत के अता करदा इस तोहफे यानी समुंदर के सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये सबके लिए था, अमीर हो या गरीब। इसके पानियों पर सबका हक बिल्कुल एक जैसा था और सब ही इससे लुत्फ अंदोज हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, ये तो माजी की बातें हैं। अब इस तक रसाई सिर्फ अमीरों तक महदूद होती जा रही है। यूं समझिए कि अल्लाह ने फितरत के जिस तोहफे को हर इंसान के लिए पैदा किया था, उसके वसाइल किसी काबिल फरोख शय की तरह नीलाम हो रहे हैं। इलाके के बारे में ज़्यादा लोग वाकिफ नहीं, जहाँ एक तरफ तो उसका तहफ़ुज़ नहीं किया गया और उसकी जानिब से लापरवाही बरती गई, वहीं इसके वसाइल को लूटा भी गया। लूटने वाले वही हैं जिन्हें छोटे माहिगीर पसंद नहीं, सिर्फ बड़े सरमायाकार पसंद हैं। आज ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में पानी में नज़र आ रहे हैं। आज यकीनन कोई ख़ास दिन है, लेकिन आखिर ये माहिगीर जा कहाँ रहे हैं? कराची वालों को ज़रा ख़बर नहीं कि वो कैसी खूबसूरत मंजर को देखने से महरूम है, क्योंकि आज से पहले ज़राए अबलाग ने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। हर साल नवंबर के महीने में माहीगीरी बरादरी यूसुफ शाह का उर्स बड़े जोश व खरोश से मनाती है। वहाँ जाकर वो अपने दुख इन्हें सुनाती है और अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआएं करती है, और उर्स के मौके पर 3 रोज़ा मेले से लुत्फ़ानंदोज़ होने के साथ साथ पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात भी करती है और नए दोस्त भी बनाती है। इस दिन की गहमा गहमी के अलावा और भी कुछ सामने आ रहा था। ये एक एहतजाजी रैली है जो ख़तरे का शिकार जज़ायर और समुंदर के मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए निकाली जा रही थी। एहतजाज उन लोगों के ख़िलाफ़ था जिन्होंने शहरियों से उनकी मर्ज़ी मालूम किए बग़ैर माहीगीरों को बेयार और मददगार करके इनकी दुनिया बैरूनी सरमायाकारों को फरोख कर दी, हालांकि ये अवामी असासा था जिन पे हर शहरी का हक था।